मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कोरोना वायरस के संक्रमण का चौथा मरीज पाया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक 4-5 दिन से इस व्यक्ति की तबीयत खराब चल रही थी, मगर जांच में ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुंब्रा के महाराजा कॉर्नर MK कंपाउंड की एक इमारत में रहने वाले व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मनपा के कर्मचारियों ने इस कोरोना पॉजिटिव सहित परिवार के 10 सदस्यों को थाने में क्वारंटाइन किया गया है और पॉजिटिव व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है और घर के बाकी सदस्यों को जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी जांच भी की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मुंब्रा के एक नामी हॉस्पिटल में सुपरवाइजर का काम करता था। अब प्रशासन इसकी जांच करे कि आखिर वो कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें ये व्यक्ति सुपरवाइजर का काम करता था और आखिर इस व्यक्ति को कैसे कोरोना संक्रमण हुआ है, क्योंकि मुंब्रा शहर के हालात अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर अब 4 हो चुकी है, जबकि इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि ये चौथा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मुंब्रा के महाराजा कॉर्नर MK कंपाउंड में पाया गया है। चलो भाई, अभी जो व्यक्ति पाया गया है कोरोना वायरस का संक्रमण, वो कहाँ पे रहता था, क्या नाम? दादी कॉलोनी का ही है, तहसील अपॉइंटमेंट से, और अभी उनके फैमिली के साथ उनको क्वारंटाइन कर दिया, उनको एडमिट करेंगे, बाकी फैमिली को क्वारंटाइन के लिए भेजें। फैमिली में कितने लोगों को जो है? लगभग 10 लोग। आपके माध्यम से मैं मुंब्रा कोसा के आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ। ऐसे आदमी की कुछ ट्रेवलिंग हिस्ट्री वगैरह थी क्या? वो तो अभी पूरी डिटेल अभी मैडम ली है, वो डिटेल आपको कॉरपोरेशन से मिलेगी, लेकिन बस इतना ही मालूम पड़ा उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आई, इस वजह से उनकी फैमिली को यहाँ से लेके जाके और उनको दवाखाने में एडमिट करे और उनकी फैमिली को खड़े। कोरोना वायरस का रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है इनका। हाँ, कॉर्पोरेशन ने ऐसा बोली उनकी रिपोर्ट। क्या काम क्या करते थे ये जो? सुपरवाइजर थे, अभी मालूम पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री उनकी लिखा ली है काम के लिए। बात ये, आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ मुंब्रा कोसा की आवाम को कि सारी सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी ले और ताला मारे ताकि ये वायरस पूरे शहर पूरे देश में ना फैल सके। हमारे शहर को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी तक ये चौथा मामला सामने आया है। अच्छी बात ये कि विघ्नार्ता से जो फैमिली को लेके गए थे उनके 2 बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उनको अभी लेके आया गया। लेकिन माननीय मंत्री साहब जितेंद्र रावत साहब दिन रात मेहनत कर रहे, प्रशासन हमारे साथ मेहनत कर रहा है, डॉक्टरों की टीम मेहनत करी है। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर सख्ती लाना पड़ेगी और हम खुद लाएँ। अब मैं सोसाइटी के सभी जिम्मेदारों से, गली के सभी जिम्मेदारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग पूरी तरीके से बैरिकेड लगा के पूरा एरिया को ब्लॉक कर दें और अपनी बिल्डिंग के लोगों को बाहर ना निकलने दें। यही मुंब्रा कोसा की आवाम से मेरी गुजारिश है और अपील है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।